हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए चीज़ गार्लिक ब्रेड की रेसिपी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे एक बाउल। अब इसमें डाल देंगे एक कटोरी मैदा। अब डाल देंगे एक चम्मच चीनी का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, एक पैकेट इनो। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे एक चम्मच घी, दो चम्मच दही। अब इसे फिर से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार कर लेंगे। डो देखिए तैयार हो चुका है। अब इस पर हम हल्का सा घी लगाकर 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब एक प्लेट ले लेंगे, लहसुन को कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह हम सारे लहसुन को कद्दूकस कर लेंगे। लहसुन को देखिए कद्दूकस कर चुके हैं। अब इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, हरी धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको देखिए अच्छे से मिक्स कर चुके हैं। अब चलिए हम तवे को गरम कर लेते हैं। तो हम ले लेंगे अब एक तवा। अब गैस को ऑन कर लेंगे। अब इस पर डाल देंगे नमक। ये यूज़ किया हुआ नमक है, इसलिए आप लोगों को काला लग रहा होगा। अब इसको हाथों से इस तरह हम फैला देंगे। अब इसे हम 5 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे। जितनी देर में तवा गर्म होगा उतनी देर में हम बेस तैयार कर लेते हैं। तो आटे को 5 मिनट हो चुका है, इसे हम फिर से गूंथ लेते हैं एक बार। हल्का सा मैदा डालकर इस तरह हम फिर से इसको हाथों से इस तरह मैश कर लेंगे। तो देखिए डो तैयार हो गया है। अब इस पर हल्का सा हम मैदा डाल देंगे और इसे बेलेंगे। इसको हम देखे बेल चुके हैं। अब इसे एक प्लेट पर हम रखेंगे। तो ये ले लेंगे एक प्लेट, इस पर हम बेस को रख देंगे और इस तरह हाथों से हम इसको ऐसे दबा देंगे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे देसी घी, अच्छे से लगा देंगे इस पर। घी लगाने के बाद अब इस पर हम कद्दूकस किया हुआ लहसुन डाल देंगे। इसमें हम ले लेंगे एक चम्मच घी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे अच्छे से हम पूरे में लगा देंगे इस तरह। अब इसके ऊपर हम चीज़ डाल देंगे। ये वाला चीज़ भी हम डाल देंगे।
चीज़ डालने के बाद इस पर हम थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ गाजर भी डाल देंगे, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च भी थोड़ी सी हम डाल देंगे, थोड़ा सा हम लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे ऊपर से। सब चीज़ों को डालने के बाद इसे हम हल्के हाथों से इस तरह फोल्ड कर देंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद हल्के हल्के हाथों से इस तरह हम इसको दबा देंगे इस तरह। और ऊपर से अब लगा देंगे हल्का सा देसी घी। अब डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर हल्का सा ऊपर। अब इस तरह हम चाकू से ऊपर कट कर लेंगे। अब इसे चलिए हम बेक कर लेते हैं। तवा काफ़ी अच्छे से प्री हीट हो चुका है। अब इसके ऊपर हम ये प्लेट रख देंगे और 20 मिनट के लिए ढककर इसे हम इस तरह रख देंगे। बीच बीच में हम चेक भी करते रहेंगे और गैस को हम लो फ्लेम पर रखेंगे। 15 मिनट हो चुका है, अब इसे हम चेक कर लेते हैं। एक साइड ये अच्छे से पक चुका है, अब इसे हम दूसरे साइड भी इसी तरह पकने देंगे। इसको हम इस तरह पलट देंगे। फिर से हम इसे ढककर इसी तरह रख देंगे। अब इसे हम फिर से चेक कर लेते हैं, तो देखिए काफ़ी अच्छे से ये पक चुका है। अब गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकालेंगे। तो देखिए बनकर तैयार है चीज़ गार्लिक ब्रेड। तो मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं दूसरी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।